हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फर्स्ट एप एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है, ये हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले आयोगों की सीरीज लेके आए हुए हैं। इसके सिलसिले में पहला हमारा जो वीडियो था निर्वाचन आयोग का, प्रीवियस हमने आपको दिया। आज हमारा टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है, साथ में संविधान से भी रिलेटेड अपना सब्जेक्ट है, यानी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट एमपीपीएससी के जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था कि महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य किस धारा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं आज आपको बताए जाएंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा सही हो सके और हमारा सिलेक्शन हो सके। तो आज का टॉपिक हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में इसके जान लेते हैं। क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों ऐसा आया, क्या चीज़ है ये, इसे क्यों लाया गया भारत देश में, तो थोड़ा सा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अपन चलते हैं। जैसा कि हमें पता है, भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक। हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, जैसा कि आपको पता है, 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक, ताकि भारत देश को मुक्त कराया सके। इसी क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, 1858 में ये जो शासन था कंपनी का, यह शासन ले लिया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, या ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश शासन के द्वारा वापस ले लिया गया कि अब जो भारत देश में शासन होगा कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा। इसी के सिलसिले में इन्होंने पता किया कि क्या चल रहा सिस्टम। तो भारत देश में जो वित्तीय अनियमितता थी, उस वित्तीय अनियमितता की जानकारी यहां पहुंची कि यहां क्या करप्शन चल रहा है, जो पैसे हैं उसका फ्लो क्या है, पैसे का प्रॉपर आना जाना, अंतर्गमन बहिर्गमन सही ढंग से हो नहीं रहा। इस सिलसिले में इन्होंने एक अधिकारी को नियुक्त किया, जिसका कार्य ये था कि क्या करना है, जो भी वित्तीय है परिप्रेक्ष्य भारत में, जो भी व्यापार चल रहा है ब्रिटेन के द्वारा और दुनिया में समस्त देशों में, वह समस्त पैसे का लेखा करना और उसका ऑडिट करना, ऑडिट जिसे हम अंकेक्षण बोलते हैं, अंकेक्षण करने का कार्य, लेखा यानी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करने का कार्य करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसका नाम क्या था, सर एडवर्ड ड्रमंड। सर एडवर्ड ड्रमंड नामक एक अधिकारी नियुक्त किया गया, जो भारत में सर्वप्रथम वित्तीय लेखे का ऑडिट करेगा। और इनकी नियुक्ति 1860 से 1862 ईस्वी के लिए हुई, यानी भारत देश में सर्वप्रथम अगर बात की जाए ऑडिटर या अकाउंटेंट के रूप में, सर एडवर्ड ड्रमंड नामक अधिकारी का नियुक्त किया गया था। अब सरकार ने देखा कि यह बहुत जरूरी है काम, वित्तीय लेखा करना बहुत अनिवार्य है। इसी सिलसिले में आपको पता है, समय समय पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत शासन अधिनियम, भारत में शासन किस अधिकार के तहत चलाया जाए, क्या नियम होंगे, समय समय पर वह एक नियम बनाते थे जिसे कहा जाता था भारत शासन अधिनियम। अलग अलग समय के अलग अलग थे, पर यहां बात हो रही सन 1919 की। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार एक लेखा परीक्षक एक ऑडिटर जनरल का पद निर्धारित कर दिया कि भारत देश में एक लेखा परीक्षक नामक पद होगा जो भारत देश में वित्तीय लेखा करेगा। परंतु इसको जो वैधानिक दर्जा दिया गया वह दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक। कानून ने इसे एक अधिकारी घोषित कर दिया कि इसकी नियुक्ति अनिवार्य है, जो भारत देश में होने वाले कैश फ्लो का जो होता है, ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएगा वह निर्धारित करेगा। इसका ऑडिटिंग का कार्य कौन करेगा, लेखा परीक्षक करेगा, ठीक। इसी सिलसिले में वैधानिक दर्जा दे दिया गया,
अब आपको पता है भारत देश आजाद हो गया 1947 में। आजादी के बाद थोड़ा बात कर लेते हैं। आजादी के बाद इस लेखा परीक्षक शब्द में, लेखा परीक्षक शब्द में एक और शब्द जोड़ दिया गया, नियंत्रक, और इसका नाम हो गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अर्थात यह निर्धारित किया गया कि आजादी के बाद एक ऐसी संस्था होगी जो स्वायत्त होगी, ऑटोनॉमस बॉडी होगी, ठीक, जिसपे किसी कंट्रोल नहीं होगा, और वह भारत की संचित निधि अर्थात जितना भी टैक्स कलेक्शन सरकार के पास आता है किसी भी प्रकार से, वह संचित निधि में जमा होता है। उस संचित निधि में होने वाले जो व्यय है, समस्त व्ययों का और आय का लेखा कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक। तो सारी प्रोसेस करने के लिए आजादी के बाद इसे स्वायत्त संस्था के रूप में, स्वायत्त संस्था के रूप में घोषित कर दिया गया कि भारत देश में जो भी संचित निधि के द्वारा, संचित निधि में जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसे का बहिर्गमन होगा, राज्यों को पैसे बांटे जाएंगे, उन समस्त चीजों का लेखा कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और उसमें नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब बात हो गई आजादी के बाद नियंत्रक सब जोड़ दिया गया और उसका पद हो गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो क्वेश्चन आएगा कि आजादी के बाद पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वो हैं वी नर हरि राव। आजादी के बाद पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नर हरि राव को बनाया गया, जिनका कार्यकाल सन 1948 से 1954 ईस्वी तक था। ये तो हो गया आजादी के पहले का। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। तो वर्तमान में कौन है? सीएजी अर्थात कैग हमारे, वर्तमान में कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है भारत देश के, जो पहले क्या थे? जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे। यानी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो पहले जब जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो उसके उपराज्यपाल के रूप में पहले गिरीश चंद्र मुर्मू का सिलेक्शन किया गया था, और अब वर्तमान में वही क्या है? सीएजी भारत देश के, ठीक। ये हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड आते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। अब आते हैं जब भारत देश आजाद हो चुका, संविधान में चर्चा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही है संविधान की, ठीक। आजादी के बाद क्या हुआ? तो आजादी के बाद की बात है कि धारा 148 से 151 तक, धारा 148 से 151 तक संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताते हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ और क्या क्या इसके नियम है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है, ठीक। यह एक ऐसी संस्था है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, वैधानिक है, अवैधानिक है, तो ये संविधान में इसकी बात की गई है। तो ये संस्था कैसी होगी? संवैधानिक, ठीक है, यानी संविधान के अंतर्गत आने वाली कोई संस्था संवैधानिक कहलाती है, ठीक। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सीएजी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक
कैसा है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, वैधानिक है, अवैधानिक है, ठीक, या विधिक है, तो आपको याद रखना है संवैधानिक संस्था है। अब इसके अंतर्गत क्या क्लॉज किए गए उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसमें कहा गया है धारा 148 के अंतर्गत कि भारत का एक कैग होगा, पहली बात कही गई है। दूसरा कहा गया जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, किस धारा में कहा गया 148। अभी जो एमपीपीएससी पूछा गया था उसके बारे में भी बताने वाला हूं आपको, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, परंतु इसे हटाया जाना 148 में ही मेंशन है, हटाया जाना 148 एक में ये बातें सारी है, ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल से बताना चाह रहा हूं आपको। इसका जो हटाया जाना है वह कैसे निर्धारित होगा, अगर इसमें साबित कदाचार या संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग अगर करता है, तो दो आधार बनाएगा, साबित कोई कदाचार हो या संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करता हो, इस आधार पर इसको हटाया कैसे जाएगा, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, अर्थात कैसे, महाभियोग द्वारा। महाभियोग के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कि महाभियोग की डिटेल से चर्चा की, कैसे लगाया जाता है, क्या सिस्टम होता है, कितने कितने लोग इम्पोज करना जरूरी है, कितने लोग के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाएगा, किस सदन में लाया जाएगा, सारी चीज प्रीवियस वीडियो में बताई गई। अर्थात महाभियोग के द्वारा भी किसे हटाया जाता है, कैग को हटाया जाता है, ये बात किसने की गई 148 एक में। अब बात करते हैं 148-2। 148-2 में कहा गया है कि अनुसूची 3 में जो शपथ है, अनुसूची 3 में जो शपथ है वह धारण करेगा कौन, सीएजी कैग। यानी आपको पता है हमारे संविधान में अनुसूचियों का उल्लेख है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियों में जो तीसरे नंबर की अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया, वही शपथ को धारण करके यह भारत देश की कैग की शपथ लेगा, ठीक। तो 148 एक हो गया, इसमें बात की यही थी कि कैग होगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उसको हटाया कैसे जाएगा, महाभियोग के द्वारा। दूसरे में शपथ की बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेवा शर्तों का निर्धारण कहा गया है, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा कि संसद करेगी कि खुद कैग कर लेगा, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा, अर्थात इनकी जो सेवा शर्तें हैं उसका पूर्णतः उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ऐसा कहा गया कि संसद एक नियम बनाएगा जिसके तहत इनकी सेवा शर्तें, शक्तियां आदि का निर्धारण किया जाएगा। इसी के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 का निर्माण संसद द्वारा किया गया, इसमें इसकी शक्तियां अर्थात कैग की शक्तियां सेवा शर्तें और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सेवा शर्तें हैं, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है क्या, तो नहीं किया गया। इसका उल्लेख कहां किया गया है, कैग एक्ट 1971 में किया गया, ठीक, तो याद रखना है। तो तीसरे में कहा गया संसद, इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी, राष्ट्रपति करेगा कि खुद कैग करेगा, तो आपको याद रखना है संसद करेगी। अगला क्वेश्चन है इसमें बनेगा 148-4।
इसमें कहा गया है कि जो भारत देश का सीएजी है वह सरकार के अंतर्गत पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, अर्थात दोबारा वह कैग की नियुक्ति पे नहीं आएगा। दूसरा, और सरकार के अंदर या सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी पद के नीचे कार्य नहीं करेगा, 148 चार में कहा गया है। ठीक, तो ये 148 धारा 148 के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताए गए हैं सारे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 148 से इतने ही क्वेश्चन होने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है नहीं है। ठीक, चार इंपॉर्टेंट थे वो आपको बता दिएगा, इसको ध्यान से रखना है अपने को। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 149। तो पिछली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया था कि सीएजी के कार्य किस धारा में हैं। ऑप्शन दे दिया था 148, 149, 150 और 151। और बहुत लोगों से गलती हुई थी, पर इसका आंसर क्या होगा, 149, क्योंकि आपने अभी 148 के बारे में पढ़ा, इसमें कहीं भी कार्य का उल्लेख नहीं है। ठीक, कर्तव्य और शक्तियां जो बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा, संसद द्वारा बनाया जाएगा, पर इस धारा में नहीं है संविधान के अंतर्गत। 149 में कहा गया है कि, धारा 149 की बात कर लेते हैं, इसमें सीएजी अर्थात कैग के कार्यों के बारे में चर्चा की गई। कैग कैग कार्य कैसे करता है, दो प्रकार के इसके प्रमुख कार्य हैं, समझने के लिए हम बता सकते हैं इसका। पहला शब्द है नियंत्रक, अर्थात पहला कार्य इसका हम देखें तो नियंत्रक के रूप में। और इसका दूसरा जो प्रमुख कार्य है, महालेखा परीक्षक अर्थात ऑडिट, वर्ड दिख रहा हो आपका, अर्थात ऑडिटर के रूप में। इसके दो प्रमुख कार्य हैं, नियंत्रक के रूप में और ऑडिटर के रूप में। अब मैंने बताया था आपको कि नियंत्रक किसका करता है, यह भारत की संचित निधि, ठीक, जो भी भारत सरकार की इनकम का सोर्स है टैक्स के द्वारा, जितना पैसा आता संचित निधि के व्ययों का नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अर्थात भारत की संचित निधि जो है उसकी सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है, कैग करता है। और ऑडिटर के रूप में कैसा होगा इसका, भारत सरकार तथा राज्य शासन के वित्तीय व्ययों का ऑडिट करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके तो प्रमुख कार्य क्या होगा, नियंत्रण के रूप में कंट्रोल करेगा कि खर्चा कम हो, गलत खर्चा तो नहीं हो रहा, सही जगह से यूज हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक, तो इसकी सुरक्षा करेगा। और ऑडिटर के रूप में भारत सरकार के साथ राज्य शासन के भी जितने भी व्यय होते हैं उनका भी ये ऑडिट करता है। ठीक, तीसरा जो इसका प्रमुख कार्य कैग का, आपको पता होगा जो सरकारी उपक्रम है, अर्थात भारत सरकार के अंतर्गत चलने वाले उपक्रम, जैसे रेलवे है, ONGC है, ठीक, जितने भी सरकारी उपक्रम है, नवरत्न है, महारत्न है, सारी कंपनियों का भी यह ऑडिट का कार्य करता है। इसके तीन प्रमुख कार्य हो गए, आपने समझा कैसे, संचित निधि का भी ध्यान रखेगा, भारत सरकार राज्य शासन का भी व्यय का ध्यान रखेगा, और सरकारी उपक्रमों का भी व्यय का निर्धारण करेगा। ठीक, ये कहां गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है इन पैसों का। ये हो गए 149 कैग के कार्यों के बारे में, हो गए 149 में, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। अब अगली धारा है हमारी 150, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, संविधान में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहां बताया जा रहा है डिटेल से। 150 में यह कहा गया है कि यह लेखा संबंधी दस्तावेजों का निर्धारण संरक्षण उसी आधार पे करेगा, उसी आधार पर करेगा जैसा राष्ट्रपति द्वारा
निर्देशित किया जाता है, अर्थात यह जो भी दस्तावेज राज्य शासन के हो चाहे केंद्र सरकार के हो, समस्त दस्तावेजों का संरक्षण निर्धारण और प्रॉपर इसका जो अपने पास संचित करेगा समस्त डाटा, वह उसी प्रकार करेगा जैसा राष्ट्रपति द्वारा आदेशित किया गया, ठीक, जो नियम बनाए गए उसी आधार पर उन दस्तावेजों को रखा जाएगा। ये किसमें कहा गया, 150 में। अब 151 में कहा गया है, अब राष्ट्रपति का आदेश है भाई कैसे ऐसे इसको रखना है, प्रॉपर डाटा मेंटेन करना है। 151 में कहा गया है कि जो भी डाटा मेंटेन किया गया है वह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा, और कौन रिपोर्ट करेगा, सीएजी कैग, ठीक है, और यह रिपोर्ट किसके पास आएगी, राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेगा। कौन रखेगा, राष्ट्रपति, इसकी रिपोर्ट कैग की रिपोर्ट, और संसद में आपको पता है एक होती है लोक लेखा समिति, ठीक, लोक लेखा समिति वह समिति होती है जिसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो भी व्यय किए जाते हैं उसका नियंत्रण करने में सहायता करती है, ठीक, कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, और ये किस आधार पर करती है, कैग की रिपोर्ट के आधार पर, ये लोक लेखा समिति को रिपोर्ट, संसद लोक लेखा समिति के सामने रिपोर्ट दे देती है ये व्यय हुए थे, ठीक है, इसी के आधार पर लोक लेखा समिति की आंख नाक और कान किसे कहा जाता है, कैग को कहा जाता है, ठीक है, आप एग्जाम पूछ लिया है लोक लेखा समिति की आंख नाक कान के रूप में किसे जाना जाता है, तो हमें बताना नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट किस अधिनियम के तहत, किस धारा के तहत रखा है, 51 कर, राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट कहाँ रखता है, संसद के समक्ष रखता है, ठीक, संसद के समक्ष लोक लेखा समिति को समस्त रिपोर्ट का ध्यान देकर सारी चीजों को खर्चों को नियंत्रण करने में मदद करती है, ठीक। तो 150 में हो गया राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित करने पर वह डाटा रखेगा, और 151 के तहत कहा गया है कि वह सारी रिपोर्ट एक वर्ष राष्ट्रपति को देगा। तो ये था हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड टॉपिक। एग्जाम में उम्मीद है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपको सारी चारों धाराओं के बारे में बता दिया गया, इतिहास के बारे में बता दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।